दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूँ। यह है मेरा खास शो, मेरी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की साझा पेशकश, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी, बोतल नहीं बर्निया। आधी रात बीत चुकी थी। पीपल के पत्तों में उलझा हुआ चांद पीला पड़ रहा था। सुरीली के घर से आती चीखों से मौसी की नींद उचट गई। उन्होंने खिड़की का पर्दा सरकाकर नजर दौड़ाई। लगता है मुआ फिर से बोतल चढ़ा के पीट रहा है सुरीली को। हमारे जैसी कोई होती ना तो कब की ऐसी गृहस्थी पे तुलसी रख के भाग जाती। गौ मिली है गौ, मौसी बुदबुदाते हुए सुरीली के दरवाजे पर पहुंची और आवाज लगाई। अरे ओ सरजू, अब कह जे तूने लड़की पे हाथ उठाया तो सारा गांव इकट्ठा कर लेंगे हम, कह देते हैं। थाने में दो रात डंडे पड़ेंगे ना तो सारा नशा निकल आएगा। हाँ, सरजू के बड़बड़ाने की आवाज आती रही। सुरीली ने खिड़की की सलाखों पर मुंह टिकाकर जवाब दिया, मौसी तुम काहे को उलझती हो, तुमको कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो जाओ ना मौसी, कसम है तुमको। सुरीली का होंठ सूज गया था, गाल पर उंगलियों के निशान थे, उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। मौसी कसम की बेड़ी में जकड़ी लौट आई। चांद पर बादल चढ़ने लगे थे। अगले दिन सारे बादल फट पड़े, झमाझम बरसने लगे। सुरीली हर साल की तरह मसाला बना रही थी। उसे ओखली में छोड़कर वो उठी और आंगन की बकरियां घर में बांध दी। टपकती छत के तले बाल्टी रख दी, आंगन के किनारे एक छोटी नाली कर दी। उसने खाली बोरी को पलटा कर माथे पर चढ़ा लिया और सरजू को ढूंढने निकल पड़ी। रात को उसे मार पीट कर वो खुद ही घर से निकल गया था। हनुमान मंदिर के पीछे वाला बरगद देख लिया, गांव के बाहर बंजारों की बस्ती छान ली, सरजू की कहीं खबर नहीं थी। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुरीली की सांसें फूलने लगीं। माथे की बोरी पूरी तरह भीग गई थी, ठंड हड्डी तक घुस गई थी। हल्का हल्का ताप माथे पर चढ़ने लगा था। घर लौटते हुए उसे खेत के बांध पर कोई लुढ़का हुआ नजर आया। वो हाँफते हाँफते पहुंची तो सरजू नशे में धुत पड़ा था। सुरीली ने छाती पर मुट्ठी मारी तो सरजू ने एकदम से उल्टी की और फिर निढाल होकर लुढ़क गया। वो जैसे तैसे उसको पकड़कर धकेलती हुई घर की ओर आने लगी। रास्ते में जितने घर पड़े, हर नजर सुरीली को चुभ रही थी। बारिश के शोर में भी उसको लोगों की दबी हुई हंसी साफ सुनाई दे रही थी। घर पहुंचकर उसने सरजू के कपड़े बदले, माथा पोंछा और उसे कंबल उड़ाकर सुला दिया। फेरों के सातों वचन वो रोज निभाती थी और सरजू उन्हें रोज तोड़ता था। सुरीली अपनी साड़ी निचोड़ ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने मौसी खड़ी थी, हाथ में हल्दी वाला दूध था। पी ले बिटिया, ये बेमौसम की बारिश जुकाम देती है। सुरीली मौसी को देखती रही। मौसी न होती तो वो क्या करती, कहाँ जाती? उसने ग्लास हाथ में पकड़े रखा। दुख को थोड़ा सेंक लगा तो पिघलने लगा। सुरीली मौसी की गोद में सर छुपाए रोने लगी। सरजू तो शराब का चाकर बन गया है, और तू भी कौन सी साबुत बची है? मौसी ने उसका सर उठाते हुए कहा। क्या कह रही हो मौसी, मैंने क्या किया है? रोटी खाई कल रात तूने? सुरीली ने नजरें झुका ली। वो भूखा है तो मेरे हलक से उतरेगा निवाला, बताओ। बावली, मरे के पीछे मरते हैं क्या? ऐसा ना कहो मौसी, बस प्रार्थना करो कि छोड़ने को मान जाए, किसी सेंटर में चल दे एक बार मेरे साथ, बस। सुरीली ने अपनी आंखों के कोर पोंछ लिए। अरे ये मुआ तो किसी के पैदा होने पे भी पीता है, किसी के मसान जाने पे भी पीता है, सूरज उगने से चांद डूबने तक पीता रहता है, छोड़ने की कोई बात ही नहीं करता, कोशिश नहीं करता। ये बात अच्छी नहीं है ना, मोल मजूरी करके तो दाना पानी तू ही लाती है ना, जितना सहेगी उतना झुकना पड़ेगा, जरा ढीठ बन। उसको संभालना तेरा धर्म है जो तू कर रही है, लेकिन खुद को संभालना भी तेरा ही धर्म है ना, वो कौन निभाएगा? मौसी और सुरीली दोनों देर तक बारिश देखती रहीं। धूप का एक टुकड़ा बादल के पीछे से झांकने लगा था, धनक चमकने लगी थी। सुरीली अब अपना ख्याल रखने लगी थी। हाईवे के एक दो ढाबों पर जाकर वो अपने मसाले बेच आती, चार पैसे जोड़ लेती। हफ्ते के बाजार में जाकर कभी मेथी कभी पालक जैसी तरकारी ले आती, कभी पराठा बनाती कभी साग।
अच्छा पकाने खाने लगी थी। सरजू के आने के पहले ही वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाती। वो खटखटाता तब भी नहीं खोलती। उसको ना कहना आ गया था। वो बिना डरे अंदर से ही कहती, पी के आओगे तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा, कभी नहीं। अब नहीं सहूंगी तुम्हारी मार, अब मैं भी मजबूत हो गई हूं सरजू। एक शाम सरजू जल्दी घर आ गया। सुरीली मसाले की बर्निया बांध रही थी। सरजू से घूरता रहा और फिर पास आकर उसकी बाह पकड़ ली। तेज आवाज में बोला, ढाबे पर जाने लगी तो? सुरीली ने एक झटके में ही अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर आज कोई डर नहीं था। वो भी उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली, हाँ जाती हूँ ढाबे, मसाले देने जाती हूँ, चार पैसे कमाती हूँ अपने लिए। अच्छा, बड़ी सिठानी बन गई तू है। सरजू ने अपना हाथ उठाया मगर सुरीली ने उसको रोक लिया। तुम क्या सोचते हो, जैसे तुम शराब के गुलाम बन गए हो मैं तुम्हारी बन जाऊंगी? अब नहीं खाने वाली मैं मार, और नहीं रहना मुझको शराबी के साथ। सुरीली अंदर गई, एक बैग में अपना सामान भरा और घर से निकल पड़ी। सरजू भौचक्का होकर उसको देखता रहा, माथे पर हाथ धरे बैठ गया। एक झटके में नशा उतर गया उसका और वो होश में आ गया। सुरीली उसको छोड़ के चली गई, उसके बिना जीने की तो वो सोच भी नहीं सकता था। सरजू जल्दी से घर से निकला और उसको ढूंढता हुआ बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां सुरीली बड़े आराम से कोने में बैठी हुई थी। अब क्यों आए हो? सुरीली का गला भर्रा गया पर उसने चेहरा सख्त बनाए रखा। लेने आया हूं तुझे, सरजू ने नजरें झुकाते हुए कहा। अब से तू बस मसाले बनाना और मैं उनको ढाबे पे छोड़ आऊंगा, मुझे छोड़ के मत जा बस। सरजू ने दोनों कान पकड़ लिए। और मेरी सौतन का क्या, कहाँ है तुम्हारी बोतल? सुरीली ने चिंगूटी काटते हुए कहा। वो तो मैं फेंक आया, और तेरे साथ जाके अपना इलाज भी करवा लूंगा, पर अब कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्का? सुरीली ने माथे पर बल डाल के पूछा। पक्का? सरजू ने उसका झोला उठा लिया और बोला, अब बोतल नहीं तेरी बर्निया लेकर घूमूंगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी बोतल नहीं बर्निया। क्या आप भी कभी यूं शराब पीने के बाद शर्मिंदा हुए हैं, या आपने अपने आसपास किसी को ऐसे शर्मिंदा होते देखा है? शेयर करिए मेरे साथ नीचे कमेंट्स में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब छोड़ नहीं पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonsvelove@gmail.com पर, यानी poisonsvelove@gmail.com पर, या देखा ये वेबसाइट poisonsvelove.org। अभी मैं चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एक साझा पेशकश।